पहले फोन पे EFL फोर्ब्स रोबो ऐप को इंस्टॉल कीजिए। रजिस्टर पेज पे अपना ईमेल आईडी डालिए और सिक्योरिटी कोड पे टैप कीजिए। आपके ईमेल आईडी पर एक सिक्योरिटी कोड आएगा, उस कोड को ऐप में डालिए, फिर अपना पासवर्ड सेट कीजिए, प्राइवेसी पॉलिसी पे चेक कीजिए और रजिस्टर पे टैप कीजिए। ऐड डिवाइस बटन पे टैप कीजिए। आपको दो डिवाइसेस दिखेंगे और अपना मॉडल सिलेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। रोबो पे वाईफाई बटन को 3 सेकंड के लिए दबाइए और फिर रोबो आपके घर का वाईफाई ढूंढना शुरू कर देगा। स्टेप्स कंप्लीट हो जाने पे यहाँ पे टैप कीजिए। कॉन्फ़िगर नेटवर्क पेज पे अपना वाईफाई लॉगिन और पासवर्ड डालिए और रोबो डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट कीजिए। फिर अपने रोबो डिवाइस को सिलेक्ट कीजिए। आपका रोबो डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर बटन ऑन करने पे रोबो घर को स्कैन करके घर का मैप बनाएगा। मैप बन जाने पे रोबो को ऑटो डॉक स्टेशन ले जाइए ताकि आप बनाए हुए मैप को सेव कर सके। मैप सेटिंग के द्वारा आप अपनी जरूरत के हिसाब से हर रूम को नाम दे सकते हैं। यहाँ आप रोबो की बैटरी चेक कर सकते हैं। क्लीन सेटिंग्स के द्वारा आप क्लीन मोड और मॉप कंट्रोल अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चूज एरिया पे टैप कीजिए और जिस रूम में सफाई करनी है उसे सिलेक्ट कीजिए। कस्टमाइज पे टैप कीजिए और अपने जरूरत के हिसाब से क्लीनिंग एरिया सेट कीजिए। मैप सेटिंग्स और नो गो एरिया टैप करने से आप रोबो को किसी अनचाही जगह पे जाने से रोक सकते हैं। और कहां वेट मॉपिंग नहीं करनी है आप चूज कर सकते हैं। रिचार्ज पर टैप करने से रोबो खुद चार्ज होने चला जाएगा। ऑप्शंस मेन्यू के लिए यहां टैप कीजिए। क्लीन रिजर्वेशन में आप चूज कर सकते हैं कौन से दिन और कौन से समय आपको सफाई करनी है। और साथ ही मॉप का स्पीड और सक्शन स्पीड भी सेट कर सकते हैं। अपनी जरूरत द्वारा आप इसे कोई भी रूम साफ करने स्केड्यूल कर सकते हैं। रोबो को रिमोट कंट्रोल द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन डिस्टर्ब टाइम में आप रोबो के नोटिफिकेशंस को म्यूट कर सकते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल के द्वारा आप रोबो के नोटिफिकेशन के वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। कार्पेट कलर टैप करने पे आप फ्लो या कार्पेट का कलर सेट कर सकते हैं जिससे रोबो को सफाई करने में आसानी होगी। कार्पेट साफ करने के लिए आप सक्शन का प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं। एक्सेसरी रिपेयर एंड क्लीनिंग में आप साइड ब्रश, रोलर ब्रश और हेपा फिल्टर का स्टेटस चेक कर सकते हैं। नेविगेट रोबो पर टैप करने से आपको पता लग जाएगा कि अभी रोबो कहाँ है। आप अपने रोबो को 5 यूजर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। होम पेज पर जाइए, प्रोफाइल पर टैप कीजिए, शेयर्ड रोबो पे टैप कीजिए और अपना रोबो सिलेक्ट कीजिए और फिर शेयर्ड रोबो पे टैप कीजिए। शेयर करने वाले रजिस्टर्ड आईडी को कंफर्म कीजिए और उनके फोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। कंफर्म करने पे रोबो शेयर हो जाएगा और यहाँ से दूसरे यूजर्स रोबो को यूज कर सकते हैं। अब रोबोटिक वैक्यूम के ऐप द्वारा ऑटोमेटेड क्लीनिंग एंजॉय कीजिए।